जी सत श्रीकाल की हाल चाल, मैं हाँ सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं HR71 HR71। मैं पहुंच चुका हूं करनाल अनाज मंडी में और सुबह की बारिश थी उसके बाद जो है किसान धीरे 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 जुटते चले गए और हजारों के बाद अब लाखों में हो जाएंगे। कुछ ही देर में जो है ये आंदोलन फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा और लगातार तस्वीरें दिखा देता हूँ मैं आपको करनाल अनाज मंडी में। जिधर आप नज़र दौड़ाओगे आपको किसान ही किसान नज़र आएंगे और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर सभी किसान नेता सभी लीडर्स और सभी भाई पहुंच चुके हैं। इकट्ठ देख लो मुजफ्फरनगर की तरह यहां भी धीरे 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 जो है किसान यहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए मैं आपको स्टेज की तरफ ले चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है। देखिए पंजाब के सभी लीडर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें चाहते थे, इस खबर को शेयर करें। देख रहे हो इकट्ठ, कुछ ही देर में ये सारे लोग होंगे करनाल की सड़कों पर। जिस तरीके से पिछली बार लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में लगातार किसानों का जो काफिला है अनाज मंडी में बढ़ता चला जा रहा है और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें करनाल से, जहां पर आपको दिखा दें कि किस तरीके से किसान भाई जो हैं लगातार जुटते चले जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी से हो, सब जगह से जो है किसान यहाँ पहुँचे। चलिए मैं यहाँ पहुँचता हूँ आगे स्टेज की तरफ, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ और आप देख सकते हैं यह है गोदी मीडिया। सामने हमारा तो इंटरनेट बंद कर दिया गया लेकिन इनके पास सैटेलाइट है क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे सैटेलाइट ओबी वैन्स हैं और लगातार ये लोग यहां से लाइव दिखा रहे हैं। इंटरनेट बंद इसलिए किया गया था, आपको याद हो कि 26 तारीख को भी ऐसे इंटरनेट बंद किया था, लेकिन ये लोग TV पर जो इनका दिल करता है वो ये दिखा सकते हैं। ये देखिए खौफ देखो इनका, किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर चढ़कर लाइव दिखाया जा रहा है क्योंकि ये जो दिल चाहेगा ये वही दिखाएंगे। गोदी मीडिया इसीलिए ये फेमस है। ये इनकी ओबी वैन्स हैं, लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट बेशक बंद कर दिया है लेकिन ये जो है चैनल्स ये अपना लाइव यहाँ से दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेज पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे पास भी इंटरनेट है, ये मत सोचना कि इनके पास इंटरनेट रहेगा, हमारे पास भी इंटरनेट है, हम भी आपको लाइव दिखाएंगे, बने रहिए। हालांकि थोड़ा हाथ देरी से दिखाएंगे लेकिन दिखाएंगे जरूर। लगातार तस्वीरें ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। देख रहे हो किसानों का जनसमूह, आप देख सकते तस्वीरें। बेशक आज करनाल में धारा 144 लगी हुई लेकिन किसान भारी संख्या में जो है करनाल के अनाज मंडी में जो है जुट चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि किसान लगातार जुटते चले जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज्यादा इस खबर को शेयर करते हैं। तो हमारे साथ यमुनानगर से मनदीप रोड चप्पर, मनदीप धारा 144 लगी हुई है फिर भी किसान इतने इकट्ठे हुए, क्या कुछ कहेंगे, क्या जोशो जुनून है। देखिए चाहे धारा 144 लाए चाहे 145 लाए, किसान आज अपनी पंचायत कर चुके हैं। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा क्योंकि 11 मेंबरी कमेटी यहां से प्रशासन ये सरकार का जवाब आया, 11 मेंबरी कमेटी गई हुई है, जहां भी 11 कमेटी का फैसला होगा उसके बाद या संसद का घराव करेंगे, जो भी सेक्टर 8 का घराव करेंगे, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा गया हुआ है, जो भी आह्वान उसके बाद प्रशासन के बाद यहाँ पर आह्वान होगा उसके बाद यहाँ से पूछ करेंगे जी। इतना जनसमूह देख के भाजपा के पसीने तो नहीं छूट गए? बिल्कुल छूट चुके हैं क्योंकि जब रात ही जब सोशल मीडिया पर किसानों की आवाज उठने लगी, रात ही प्रशासन ने कह दिया कि आप रैली कर चुकते हैं, आप महापंचायत करें, हम कोई बैरिकेड नहीं लगाएंगे, हम किसी किसानों को नहीं रोकेंगे। आप देखो आज लाखों के हिसाब से आप करनाल में किसान जुड़े हुए हैं। इंटरनेट बंद कर दिया है, इंटरनेट बंद कर दिया ताकि यहाँ से आवाज ना उठा सके। देखिए बीजेपी सरकार खोखला गई है, बीजेपी सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। जब बीजेपी सरकार की जड़ें हिलती हैं तो समझ लो सरकार टूट चुकी है, उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। आज देख लो लाखों की संख्या में आज करनाल महापंचायत में भाग ले रहे हैं, सरकार बिल्कुल मर चुकी है, बिल्कुल हार चुकी है। कितने बजे निकलेगा यहाँ से, कितने बजे निकलेगा प्रोग्राम?
प्रोग्राम है, यहाँ से कितने बजे निकलने का प्रोग्राम है, क्या कुछ रणनीति बनाई है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा 11 मेंबर कमेटी प्रशासन से सरकार से बात करने गई हुई है। जो भी फैसला होगा, जो भी मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा जी। यहाँ कौन कौन किस किसान नेता यहाँ पर पहुंच चुका है? जो भी संयुक्त किसान मोर्चे के हमारे 40 नेता हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चे के स्टेज पर बैठे हैं। जो हमारे नेता कुछ संयुक्त किसान मोर्चे के हैं, वो सरकार से बात करने गए हुए हैं। धन्यवाद प्रदीप जी। तो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ अनाज मंडी जो है भरी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको और इस बात पर आपकी हम कायम है। अभी जो पस्ताना टोल प्लाजा के ऊपर प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि सभी किसान नेता जो मुजफ्फरनगर में थे, उससे भी ज्यादा की उम्मीद है कि आज किसान यहां पर पहुंचने वाले हैं जी। क्या कुछ कहेंगे? बैठ लेनी भाई, सभी सारे किसान साथी दोनों हाथ उठाकर जोर से, किसान नेता, किसान नेता। हमने हाई कोर्ट में इन सभी जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है पिटीशन डाल दी है और उसमें 17 तारीख लगी हुई है, हाई कोर्ट ने तुरंत जवाब देने के लिए कहा है। उसमें हमने डिमांड की है कि इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको भी मुआवजा मिले। हमने डीसी और एसपी को भी कंप्लेंट दी है, इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज किया जाए। हमने सारी बार एसोसिएशन की तरफ से एक दिन का वर्क सस्पेंड भी रखा था और अगर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हम वकीलों की तरफ से जल्दी स्ट्राइक की जाएगी। भारतीय ट्रेड यूनियन, तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से विशाल जनसमूह जो है यहाँ पर एकत्रित हो चुका है और कुछ ही देर में जो है यहाँ से रवाना होंगे जिला सचिवालय के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ज्यादा से खबर को शेयर करते रहिए। भाई करना टोल टैक्स की तरफ से जो बाहर से हरियाणा के कोने कोने से, केरला से, जहाँ के देश के अनेक राज्यों से जो आए हुए हैं, हम क्रांतिकारियों के साथियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और कर्ण नगरी में सभी का धन्यवाद चाहिए। साथियों, एक ये पर्स आया है जितेंद्र कुमार सहारनपुर जिले से है, ये आगे अपना पर्स ले सकते हैं। अब इसके बाद भाई अब अमरजीत मोड़ी और उसके बाद राज सिंह जी देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर किसान एकत्रित हो चुके हैं। कुछ देर में आपको यहाँ से जैसे भी जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे, जैसे ही लाइव आएंगे प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें करनाल से, बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ यही बात कहनी चाहूंगा कि आज आपने इतनी बड़ी हाजिरी लगाकर अपने शहीद सुशील भाई, सुशील काजल जी और जो भी हमारे साथी जिनकी एक एक बूंद धरती के ऊपर गिरी उसको नमन करने के लिए और हमारे साथी को सुशील काजल जी को से लंबरदार के प्रदेश प्रवक्ता हैं हरप्रीत सिंह चीमा जी, क्या कुछ कहेंगे? आज किसानों का किस तरीके से जोश है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ ज्यादा से ज्यादा किसान जो यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को? आज ठाठा मारदा इकट्ठ किसानों का यह गल का सबूत होए कि धारा 44 भी तोड़ दी, जितने जा रहे ने किसान, इन्हां दी जित होएगी और किसान अपनी जित के जाणगे। जिते जिते भी मोर्चा किसानों ने लाया, चाहे मुजफ्फरनगर की गल करिए, चाहे सहार की गल करिए, किसानों ने अपनी फतेह हुई है। ये तीन काले कानून भी रद्द होणगे ते मोदी हारेगा हारेगा ते किसान जितेगा जितेगा। अज सरकार ने जान बुझ के किसानों लाठीचार्ज करके ये चैक किया भी किसानों में कितनी जान है। अज किसान जवाब देने लिए करनाल की धरती से इकट्ठे हुए हैं, अज मूँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अज प्रशासन दिया भी चूल्हा हिला के धर दित्तियां ने, उन्होंने समझौते लिए गल करने की बुला लिया। जे अज किसानों की गल नहीं मनणगे इट ने इट खड़का देंगे, जे किसानों नूं इस गल दस देंगे प्रशासन के खट्टर सरकार नूं कि किसानों में कितनी ताकत है, जिहड़ा हिंदुस्तान के बंदियां दा पेट भरता हर किसान दे नाल जाति नहीं सहन की जाएगी और अपनी जित जित के करनाल की धरती जावांगे। जिन्हें भी मोर्चे किसानों ने लाए ने हमेशा जिते ने जितणगे। सरकार अपने
इन्हों पंचायतों फेल करने बड़े हथकंडे अपना है, चाहे इंटरनेट बंद कर दे, चाहे होर भी किन्ने भी लिया के फोर्सा ला ले, किसान ने जो टकरा हमेशा चकना चूर होना पैदा है और किसानों के अगले चुकना पैदा है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर किसान जो है भारी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ ही देर में जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 71।